समाज की रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अब चौका चोला करने वाली महिलाएं भी आजीविका संवर्धन कर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में जुटी हुई हैं। टिहरी जिले के चंबा के नजदीक ग्राम पंचायत दिखोल गांव की रहने वाली सविता रावत ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की है। सविता ने पहले तो गांव में 4-5 महिलाओं के समूह बनाए, फिर समूह के माध्यम से मशरूम उत्पादन शुरू कर दिया। आलम यह है कि अब सविता के साथ गांव की 20 महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। सविता साधारण घर से हैं, उनके पति प्राइवेट जॉब करते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों न स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य किया जाए। आज सविता करीब 1 महीने में अच्छा मशरूम उत्पादन करती हैं और उसको बाजार में बेचती भी हैं, जिससे उनकी आजीविका तो हो ही रही है, साथ ही जो महिलाएं उनके साथ समूह में काम कर रही हैं उनको भी अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। सविता का कहना है कि 1 वर्ष से मशरूम उत्पादन का कार्य वो कर रही हैं, अब उनके साथ और महिलाएं भी जुड़ रही हैं। उनका कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य पलायन रोकना और आजीविका बढ़ाने के लिए कार्य करना है। यहाँ पर मैंने इस काम की शुरुआत 1 साल से कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 5 लोगों से मैंने शुरुआत की थी और आज हम कम से कम 20 महिलाएं काम कर रही है। लेकिन काम करने शुरुआत में दिक्कतें आई, फिर उसके बाद अगर मुझे कोई से कोई सपोर्ट मिलता, मुझे कहीं सरकार की वजह की ओर से कुछ सपोर्ट नहीं मिला। और मेरे को यहाँ पे जुड़े हुए 1 साल हो गए हैं और कम से कम यहाँ से हम 2000, मतलब हर एक महिला 2000 रुपए कमा लेती हैं। सविता रावत पहाड़ की वो महिला है जो महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करती हैं, लेकिन इसमें यदि सरकार की भागीदारी और बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर अन्य महिलाएं भी इससे लाभान्वित होंगी। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।